ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, खाना बनत मनु मम्मी के। बाप रे बाप, कैसे बर्दाश्त करो इतना गर्मी भैया। लेकिन बहुत शुद्ध खाना बनाओ थो एकदम, माने करे चूल्हा के देसी खाना बहुत बढ़िया होता है। तू खाओ ना बे। हाँ देखा भैया, इसे संठा लगाओ था न, और रोटी बन बे नहीं के। अच्छा ऊपर एक कोना लगाओ तू का रोटी बनाओ की नहीं लगाई। हाँ और इसे लगाई दाल चावल सब चीज में लगाई। हाँ रोटी को लगे तो हमसे बन बे नहीं के, कच्चा हो जाए। हाँ देसी को बन बे नहीं। का बनायो करेला सब्जी बनायो का? नहीं कटहरे के अचार। अच्छा दाल है चावल है नींबू की सब्जी और कटहरे का अचार हो। ससुरारी मरे कटहर जरूर मिल जाता था घूम फिर के चाहे जैसे, समझ गया। और देखा कितना धुआं ऊपर ऊपर धुआं धुआं होत हुआ चूल्हा खाना हमारा पूरी बखरिया में बनत है। लेकिन बढ़िया लगा था, सही रहा था। ये बात में थोड़ा सा बढ़िया से धुआं खुल ले तो हर नाइब ना एक एक मुक्की ओका बड़ा मुक्की करवा दे तू, दरवाजा लगा के बड़ा कह दे तो एक बाद धुआं निकल जाए तो हर बहुत मस्त काम हो ना। और ना लगवाई तो हमें तोड़े पड़े। अब इतने धुआं में सर आज हमारा परेशान हो जाए, हमें अच्छा लगे। यह देखा भैया सराहज हमारा आम थोड़ा सा लग्गा लेके आए हैं बराहर। और देखा अरे तुझे चोकू देव तो कोनो फर्क ना ही बाटे लग्गा से। देखा आम गिराओ थे भैया, क्या देखा गिरत ना, एक आम गिरा, यह गिरा आम। देखा दालिन डरबू कहाँ? हाँ अच्छा यह देखा गिरा भैया, कितना आम डलबू? चार आम हो गया, पांच आम, छह आम, सात आम, सात आम हो चुका बा। कट चाहत बा दस थे? अच्छा बस। हाँ ये देखा भैया आम एक सीजन हो, एंकरिया आम बा, जब चाहते हैं तब लग्गा उठाई के। कहा हेरा तो ना मिला कहाँ? हाँ ये हरे था, कहाँ चला गया भैया? हाँ चला दूसरा लग्गा माला ना मिले तो बट जाए दे। हाँ अच्छा पाई गो हेर लुहू मनबू ना छोड़बू ना होगा। देखा ये बड़ा चुचुक गया बटे कुपरिये तुम्हार। देखा ये आम गुली आए हैं जब लग्गा लेकर इन्हें पकन आए हैं का कच्चे हैं का? अच्छा ना जल्दी ना पकने लागत बा। हाँ अच्छा भैया अगर तुम से दाली माम डाले हो तो पहुंच जाए भैया, लग्गा रखा हमारे ये ससुरारी में और सराहज मार तुह से दाली माम दे दें, समझ गया। हाँ और ना दे तो लग्गा रखा हमारा नाम लेके लग्गा हिला लिया हम का हो। हाँ यह देखा भैया वंदना माता श्री ले ली मोड़े पे, कहाँ ले जात हो? अच्छा अच्छा वहाँ से देखा बांध बांध के अब ऐसे ट्रैक्टर रखा है। तब भैया हमारे जो वंदना के पिता श्री माँ ससुर जी हैं वह एक चलाए के ले जा खेते तक पहुँचाही। देखा ऐसे जगह जगह रखा है जात बा। यह 10-15 बोझ रख दे ही फिर अपन जाए। ये मेरे प्यारे भाइयों हमार ससुर जी भैया वंदना के पिता श्री ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं लेके जाए ही बेहन। यह बेहन जो रखे रहन संडा वाला बेहन हो ये देखा स्टार्ट कर। हार ऊपर हो गया ट्रैक्टर घूमे हैं, अब अपन नौछी मंगाओ थे गमछा, अपन गांव के लोग गमछा बहुत प्रिय होता है। देखा घूमत एक ट्रैक्टर ले गया है भैया हमारे बड़का साला जी और ये मेरे भैया हमारे ससुर जी ले जा रहे हैं दूसरे का ट्रैक्टर, मतलब मेरे वंदना के पिता श्री जी लेके जा रहे हैं खेत में। धान लगा तो धान की रुपाई हो रहा है। देख
गमछा ले जाते हैं मुड़े पे रखे ही। गांव घर के लोग गमछा वमछा बहुत तेल लगाओ थे मुड़े पे। देखा यह ट्रैक्टर बहुत पुराना ट्रैक्टर है भैया। ये देखिए मेरे प्यारे भाई जी गायन भैया। और ये बहुत मेहनत करते हैं भैया। यहाँ के लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, चाहे भैया हमार साला हों, चाहे हमार सरहाज हों, चाहे हमार भैया ससुर हों, चाहे हमार भैया सासू माँ, चाहे हमारा माँ मतलब समझा, चाहे क्यों भी हो, बहुत बहुत मेहनत करते हैं बहुत। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारे ससुरारी में जगह और धान ऊपर संडा उपड़त बटे। अच्छा इधर सब ये संडे लगाओ थे कहाँ ज़्यादा कहिए? हाँ देखा इसे झूरों में उपाल लेते हैं देख लो भैया। हाँ अच्छा ये पानी ना ऊपर थे क्या देखा थे हमारे बूढ़ा इसे उपाल लेते हैं और बहुत नरम हो था देखा थे चाहे उपाल लेते बटे। हाँ तब कहाँ लगावत हो? तो नहरा पानी भरे हो कि इंजन से पानी भरते हो? हाँ अच्छा एक उपारे के बाद मट्टी झाड़े की पड़त है और मट्टी झाड़ के एक करे पड़त ना। हाँ हे चलो तो लड़किया हो क्या ये जो धोने खड़ा है? हाँ अच्छा हे अब बहनी अच्छा अच्छा ये अब हो जो बैठे डाड़े पे। हाँ ये देवरानी के हैं और ये चारों जन तोहार हैं का? हाँ और वो जो लगाओ थे वो जो पारा थे और ये बहनी अच्छा। हाँ देखा भाई ये हो ससुरारी सुबह सुबह सब अपने खेत में बिजी हैं। देखा बाहरों के पाइप लगाए के पानी भरत हैं और धान लगाओ थे। खेती गृहस्थी है करे के देखो ना आ जाते ना और ना करबो तो वह ना हो कि हाँ सब खोज जात वही मन हो कि नहीं मन नहीं हो। देखा यार कितना बेहन बना के रखा है ये बटे संडा वाला। हाँ प्रदेश का रवैया लेकिन हमारा जन्मभूमि तो यहीं है पैदा तो यहीं भाई है 20-22 साल तक तो यहीं रहा गवा बटे। हाँ गेहूँ काटा था गेहूँ बनावा था। हाँ ऐसे अपन काम हो करे चाहे और किसानी काम में बहुत बढ़िया लगा था आनंद आवत है। ये देखो हमारे प्यारे भाइयों का वो आटा साना था का आटा साना बनाई जीजा मार खाई सब कुछ हो लेकिन तोरे चेहरा की स्माइल बहुत बढ़िया लगा था हमें कि इतना काम करत रहा था लेकिन इतने बढ़िया से हंसत रहा था। हाँ सही कहा ना बात है क्या कहता हूँ लोगों की बस्ती में जियो अपने मस्ती में। अरे वाह मतलब शायरी जान यार यार भैया देखा अपने मस्ती में जिया जो कर एक बार देख कर अत रहा। हाँ देखा भैया देखा हमारे सराहस भैया शायरी कहा था समझ गए और एक शायरी आज तो है नहीं भाई हाँ ऐसे ही ना शुरू से यार थोड़ा बहुत हो जाते खाना खा भूख लगी हुई जब हम आओ थे तब तो ऊपर ये तोड़त हो जब काम लग जाए तो तोड़े पड़ जाते हैं। भैया आटा उटा सना चुका बस सलाह आटा सान चुकी है रोटी बने। हाँ रोटी बनाऊ पूड़ी पूड़ी खावे ना ही हमें तो रोटी सही बटे बन जाए मका करे हाँ तो इनसे बताओ भैया का खाई चाहे जे जे देखा था आगे बता दीजिए कमेंट करके का खाई चाहे। हाँ ससुरारी में सराहजे खाते भैया कुछ भी मिल जाता सब एकदम स्वाद बढ़ ही जाता है।